हेलो गाइस, वेलकम टू माय गूगल ब्लॉग्स। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इसी के साथ चलते हैं आज मसौढ़ी के पूरा बाजार का ब्लॉग बनाएंगे, जो कि आपको पटना गया रेलवे लाइन में है और NH83 रोड में भी पड़ता है। इस चलते हैं आपको बाजार का सैर कराते हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, ये देख सकते हैं गाइस, टिकट काउंटर है, टिकट घर भी है, इधर पूछताछ करने की व्यवस्था भी है। इसी के साथ चलते हैं बाहर, ये देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पो स्टैंड है, जो पटना तक आपको ऑटो मिल जाएंगे। इतना सारा गाड़ी लगे हुए हैं। ये गाइस बाहर जाने का रास्ता है, इधर से भी है और उस साइड से भी है। तो गाइस, इस रास्ता से नज़दीक पड़ेंगे हमको बाजार मसौढ़ी का। इसी के साथ चलते हैं बाहर, ये गैस देख सकते हैं, सीधे गांधी मैदान जाने का रास्ता है। आप सीधे गांधी मैदान जा सकते हैं और बाएं तरफ मुड़िएगा तो मसौढ़ी का बाजार मिलेगा। मैं है गांधी मैदान, देख सकते हैं गैस, बाहर का मेन दरवाजे से लिया गया, इसी रास्ते में है बाजार। वीडियो देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें और साथ में कमेंट्स भी करें। देख सकते हैं गाइस, मसौढ़ी के नाम ही श्री संकट मोचन मंदिर, जो स्टेशन के पास में ही है, जो कुछ इस तरह से मंदिर का संकट मोचन हनुमान। इसी के साथ चलते हैं पीछे, जो माता रानी दुर्गा का भी प्रतिमा दिया गया है। देख सकते हैं स्टेशन के पास बने हुए माता रानी का प्रतिमा और मंदिर। इधर हो गए सुमित्रा कॉम्प्लेक्स। वीडियो देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। देख सकते हैं साथ साथ में बाजार लगे हुए हैं। तो गाइस देख सकते हैं साइड में जानकी मार्केट है, इसके अंदर का कुछ इस तरह का नज़ारा है। दुकान भी खुले हुए हैं, देखिए काफ़ी सारे। जानकी मार्केट के अंदर का मसौढ़ी का स्वादिष्ट नमकी दुकान, जो कि सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है, उसका भी आपको शेयर कराते हैं। यह देख सकते हैं आपको गांधी मैदान और गिरजा कुमार का भी आपको शेयर कराते हैं। ये मेन गेट हुए, ये देख सकते हैं बाहर में भी फल लगे हुए, फल मंडी लगे हुए हैं। तो गाइस इसी से चलते हैं मसौढ़ी के सब्जी मंडी के अंदर। चलिए आपको वहाँ का भी सैर दिखाते हैं। देख सकते हैं डग बंगला में भीड़ लगे हुए हैं, देखिए मसौढ़ी का डग बंगला, और यहाँ शादी विवाह का भी समारोह होता है। यहाँ पर मंदिर में जो शादी विवाह करते हैं, यहाँ पर भी होता है, देख सकते हैं गैस। और पास में ही है जानकी उत्सव मैरिज हॉल, अगर यहाँ आना हो तो आप भूल नहीं सकते हैं, देख सकते हैं गैस। ये देखिए इस तरह का
मंदिर बना हुआ है। देखिए डगमगला का कुछ इस तरह का नजारा है गाइस। डगमगले में है एक तालाब जहाँ छठ व्रत भी होता है, देख सकते हैं गाइस। यही है डगमगला का तालाब। तालाब से कुछ इस तरह का नज़ारा देखते हैं बाहर का। अब चलते हैं सब्जी मंडी के अंतिम छोर तक, जहाँ पे सारे किसान लोग एक ही जगह पे मंडी में सब्जी बेचते हैं, होलसेल एरिया देख सकते हैं। तो गाइस दिखाते हैं आपको चूड़ी मार्केट, जो जहाँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, देख सकते हैं गाइस। और गाइस देख सकते हैं दूसरे तरफ से रास्ता गया है, एक और रास्ता है, इसमें भी है, देख सकते हैं यहाँ पे भी है काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज। वीडियो देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें और साथ में कमेंट्स भी करें।